पांड्या विकास खंड के अंतर्गत जसवा गांव में मनरेगा मजदूर महिलाओं ने किया हंगामा। बता दें कि जसवा गांव में इन दोनों लॉकडाउन के चलते मनरेगा काम जोरों से चल रहा है। वहीं ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा महिलाओं को काम करने से मना किए तो महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि हम लोग 13 दिन काम किए हैं, अभी तक हमारे खाते में 1 रुपए नहीं आया और आज प्रधान काम करने से मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हम गरीब लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? इस लॉकडाउन में मनरेगा ही हमारा सहारा बना हुआ था। 1 साल पहले भी हम लोगों ने मनरेगा में काम किया है। कोई 28 दिनों, कोई 15 दिन, कोई 18 दिन, कोई महीने से ज्यादा ऐसे ही हम लोग काम किए हैं, लेकिन एक भी पैसा हम मजदूरों के खाते में नहीं आया है। जब हम लोगों ने प्रधान से शिकायत किए तो प्रधान बहाना बनाकर कहीं चले जाते हैं। वहीं मनरेगा मजदूरों का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शेष धर्माली पर आक्रोश व्याप्त है। प्रयागराज न्यूज के लिए हंडिया से क्राइम रिपोर्टर रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। दरबारी प्रधान से जीता है, मनोहरपुर काम के है। हाँ। 1 रुपया हमें नहीं मिला बा। आप राहुल और भीम कर अनिल हमार साइन नहीं कराए, साइन नहीं कराए और उल्टा गाई धमकी हमके दे है। क्या धमकी दिए? धमकी दे है कि तू काम नहीं किए हो। कंप्लेन कर तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? हाँ, शिकायत हम कहो दाए की है, मूला जवाब हमके दे जाए। कहाँ पर शिकायत की है? तीस दिन काम करके पैसा नहीं दिए, दोबारा फिर खोला होते हैं। कितने दिन काम किए? 30 दिन पहले दिए। कितने साल हो गए? साल भर पूरा। क्या बोले प्रधान? वो नहीं दिया ये पैसा, कथम वही कहते हैं कहीं माने उनको भर दिया हमारा एक नया नहीं। जॉब कार्ड बना है आपका? हाँ हाँ, आज कई साल काम कर रहे थे। ठीक ना, काम कर रहे मनोहरपुर में ना, अब हम का पैसा ना मिला। कितने दिन हो गया काम करे? 90 दिन। हाँ, तालाब में किए रहे, नारिम किए रहे, अब तक प्रधान पैसा ना दे। प्रधान क्या बोले? कह जाए तो कहती का वोट दी है काम है। जा जे तोरे कहती प्रधान बोल से पैसा।